कीवा टॉप ग्रुप यूट्यूब चैनल आज इस मीटिंग के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ मैं सत्यप्रकाश शर्मा आज की इस सेशन की शुरुआत करूं। दोस्तों, जिंदगी में एक हर किसी की, जो भी इंसान इस धरती पे आया है, उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश होती है। और ये ख्वाहिश, जाहिर सी बात है, अगर आप इस मीटिंग से जुड़े हैं तो ये ख्वाहिश आपके भी सपनों का एक हिस्सा है। एक सुंदर सा मकान, चमचमाती हुई कार, विदेशी यात्रा, पढ़ाई लिखाई, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मौज मस्ती करना, दूसरों की मदद करना और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना और अच्छी सेहत के साथ जिंदगी को व्यतीत करना, ये हम सबों की ख्वाहिश होती है। दोस्तों, आप दिल पे हाथ रखे एक बार बताइए, क्या ये ख्वाहिश आपकी नहीं है? दिल पे हाथ रखे आप लिखिए इन चीजों को कि जी हाँ, ये ख्वाहिश हम सबों की है और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं हम उनकी जिंदगी में भी इस तरह की ख्वाहिश को पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। ये शब्दों में लिख करके जवाब दीजिए। फेसबुक पे हम सभी उपलब्ध हैं और फेसबुक पे भी आप मल्टीपल जो है अपने रिस्पॉन्स, अपने रिप्लाई जो है जाहिर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीजों को जिंदगी में कैसे पूरा किया जाए? कभी कभी तो ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो सिर्फ और सिर्फ सोच और विचार करते हैं और सोच और विचार करते करते 55 साल और 60 साल और कभी कभी तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, वैसे लोगों को जाते हुए सुना है हमने कि दोस्त, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर जाना। भाई, वैसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। हकीकत में जिंदगी वही वास्तव में सार्थक है जिस जिंदगी में ये तमाम चीजें आप जीते जी सही स्थिति में देख सके। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर आप इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, तो हकीकत में आप जागृत हो चुके हैं और ये तमाम खूबसूरती को आप समेटने के लिए, इन तमाम खूबसूरती का स्वाद लेने के लिए आप 100% एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को वास्तव में जीवन में कैसे पूरा किया जाए? दोस्तों, बड़ी छोटी सी चीज है और कई लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाती है और कई लोग जो है समझते समझते अपनी जिंदगी भी कभी कभी समाप्त कर देते हैं। इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वास्तव में हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। सिस्टम, जी हाँ, एक वही सिस्टम जिससे प्रकृति मूव करती है, जिससे नेचर मूव करता है, एक वही सिस्टम जो हमारे शरीर को चला रही है, एक वही सिस्टम जो पूरे पर्यावरण में है, वैसी ही एक जबरदस्त सिस्टम जो आपके तमाम सपनों को पूरा करे, उस तरह की पर्टिकुलर सिस्टम है जिसे हम कीवा इंडस्ट्री कहते हैं। इट्स अ फुल प्रूवन सिस्टम और ये सिस्टम के साथ अगर आपने स्वयं को और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को अगर आपने जोड़ दिया तो दोस्तों हमारा लूप पूरा हो जाता है और इसी श्रृंखला में हम अपनी तमाम जिंदगी की उस ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें रिस्क क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कीवा इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके आपका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पूल जो है हम आपसे डिमांड करते हैं? यस और नो में लिख करके जवाब दे सकते हैं। क्या आपको हम कहते हैं कि आप अपनी एसेट्स को बेच करके हमारे कीवा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कीजिए? क्या मैं कहता हूं कि आप अपने ऑर्नामेंट्स को गिरवी रख करके आप इन्वेस्ट कीजिए? कभी नहीं। सो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नो इन्वेस्टमेंट। और अगर रिस्क की बात करें तो दोस्तों, रिस्क तो बस इतना ही है कि आपको ज्वाइन करना है, बस इतना ही रिस्क है और इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, परफॉर्मर बनने के लिए, जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है और उन तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करते करते आपको एक लंबे समय का एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो तमाम चीजों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूं कि भाई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है। तो ये तीन पैरामीटर्स अगर आपके पास, इन चीजों को समझने की सूझबूझ है तो दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए बनी है, ये सिस्टम आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए बनी है। दोस्तों, इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए जो जबरदस्त और पावरफुल जो सिस्टम पूरे पैन इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो सिस्टम हम सबों के दिल में है क्योंकि हम उसकी दाल रोटी खाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आखिर कैसे ये ऑपरेट करती है, इन चीजों को जानने के लिए मैं आपको कुछ जरूर बताना चाहूंगा कि इन चीजों को समझने के लिए आप अपने दिमाग पे 4P बिल्कुल आप लिख लीजिए और इसी 4P के इर्द गिर्द हम सबों को रहना है, क्योंकि अगर इस 4P को हमने अपने दिल पे बसा लिया, आपकी जेनेटिक कोड में अगर ये 4P बस गई तो दोस्तों ये ड्रीम्स पूरे होने में
कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बाधाएं नहीं आएगी। और मैं अगर कह दूं कि अगर बाधाएं आ भी जाए तो आपके खोर पी के आगे उनका कह सकते हैं कि वो समाप्त हो जाएंगी और आप उससे आगे बढ़ते अपनी उपलब्धियों के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे सेशन को हम चार तरीके से देखेंगे। प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी चर्चा होगी, प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, प्लान के ऊपर बात करेंगे और पेआउट की बात करेंगे। क्योंकि इस सेशन के साथ जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, जो मैं देख सकता हूं, वो तमाम लोग एसोसिएट्स हैं, पुराने दिग्गज हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं कि वह इंडस्ट्री के साथ जो है हाथ से हाथ मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक नजर बड़े संक्षिप्त तरीके से देखेंगे कि हमारी क्यूआई इंडस्ट्री के वो जबरदस्त प्रोफाइल क्या है जो जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव करने का कार्य कर रही है। दोस्तों, ये सिस्टम जिसका नाम है क्यूआई इंडस्ट्री, ये दुनिया में एक हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर में काम कर रही है और आप सबों को इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर एक नजर डालें तो दोस्तों, हम कहते हैं कि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, द ग्रेट विजनरी डॉक्टर करण गोयल सर, जिनका स्मरण और जिनका उच्चारण होते साथ दिल की वादियों में एक अजीब सी स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि इस शख्स ने जो विचार किया, जो सपने देखे, उन सपनों के साथ हम सारे लोग जुड़ चुके हैं और महज जुड़ जाने से बहुत सारी जिंदगियों में एक जबरदस्त बदलाव आई। एक साधारण परिवार जो है असाधारण परिवार बन गया, एक सामान्य लोग असामान्य लोग बन गए, एक वैसे लोग जो कह सकते थे कि जिंदगी में निराधार थे, उन्हें एक जबरदस्त आधार मिल गया और बेतहाशा उन्होंने तरक्कियों की मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी इस सिस्टम के साथ बतौर इंप्लॉय के रूप में जुड़े हुए हैं। 450,000 स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ ये हमारी एसेट्स हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं। 2,000+ करोड़ की टेंजिबल एसेट्स हैं। तमाम सर्टिफिकेशन के दायरे को ये फुलफिल करती है, हर किस्म के सर्टिफिकेट को ये प्रोक्योर कर करके अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर उसे अप्लाई करती हैं और उस हिसाब से लोगों के बीच में लाती हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर 15 करोड़ की लायबिलिटी इंश्योरेंस अपने आप में एक जबरदस्त मिसाल है, जो ये कहते कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है इतनी पावरफुल है और पावरफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इतनी 15 करोड़ की लायबिलिटी इंश्योरेंस का हमें ये सम्मान मिला हुआ है। दोस्तों, हमने 2016 में जनरेशन प्लान की शुरुआत की और 15 मई 2009 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत बैरेरी प्लान से की थी और 2016 में ऑब्वियसली जनरेशन प्लान की शुरुआत की गई। दोस्तों, मैं इस शख्स से आपको रूबरू करा दूं, ये जो शख्स है जो आपके इस स्क्रीन पे जो पैनल पे आपको दिख रहे हैं, श्रीमान डॉक्टर करण गोयल सर, जिनको एक बहुत ही बेहतरीन सम्मान प्राप्त हुआ है भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के माध्यम से, और ये सम्मान उन्हें बेहतरीन तरीके से कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया उस क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया भूतपूर्व जो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के माध्यम से। और इतने बड़े सम्मान के साथ जो शख्स एक मजबूत विजन के साथ आगे बढ़ रहे, हम सभी उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर और इस तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, 100% हमारे हम सबों के जीवन में एक बेहतरीन सी जिंदगी देखने का मौका मिलना निश्चित है। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक नहीं कईयों ऐसे सम्मानित सर्टिफिकेट का जो हमें बेहतरीन सा सम्मान मिला हुआ है। ये सम्मान अपने आप में एक मिसाल है, कंपनी की सिस्टम की मजबूती का एहसास कराती है। चाहे आप बात करें सर्टिफिकेशन फ्रॉम द चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, आप बात करें सेल्स लाइसेंस फॉर द फूड सप्लीमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ड्रग लाइसेंस की बात करें, आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, आप जीएमपी सर्टिफिकेशन की बात करें, आप कोशर हलाल सर्टिफिकेट की, हर किस्म के सर्टिफिकेट का जो जबरदस्त सम्मान हम सबों को मिला हुआ है, ये सम्मान हमें इस बात का बल देती है कि हम बेधड़क हो करके अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सिस्टम का, हम दिन के उजाले में हम इसको प्रमोट करें और कोई भी किस्म की बाधाएं और लीगल हर्डल्स आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमें एक बेहतरीन सा सम्मान जिसको हम कहते हैं भारतीय उद्योग रत्न, ये भारतीय उद्योग रत्न की अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किए गए हमारे डॉक्टर करण गोयल सर को, जो कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो विश्व स्तर की पीस की जो व्यवस्था की,
और साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन के जो सम्मान हमें मिले हैं लीडिंग हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, और ये दोस्तों अपने आप में जो सम्मान प्राप्त हुई 2010 में ये सम्मान पत्र हम सबों को मिला। दोस्तों अगर हम बात करें एक ऐसे कंसल्टेंट की जिसे हम मेडिलिंक इंडिया कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के एरिए में, स्वास्थ्य की दुनिया में वो आकलन करती हैं कि कौन सी कंपनी, कौन से सिस्टम जो है बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। तो दोस्तों उस मेडिलिंक इंडिया जो कि एक फ्री कंसल्टेंट है जिसने हमारे सिस्टम को सम्मानित किया, और इस सिस्टम के सम्मान में हमारे डॉक्टर कैरन गोयल सर को ये पूरी तरह से जो है सम्मान पत्र हासिल हुए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक मीडिया पब्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, इस मीडिया पब्लिकेशंस के माध्यम से साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट में हमें एक बेहतरीन सम्मान पत्र हासिल हुए। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि निष्पक्ष भाव से कीवा इंडस्ट्री की सिस्टम को दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में सराहा गया है। दुनिया के अलग अलग जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी कार्य करने के तरीके को, हमारे कंपनी के इरादे को, कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी की उस गहराई को, उस डेप्थ को जिसके साथ हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसी क्षेत्र में मैं बात करूं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर कंपनी का जो सम्मान हम सबों को मिला है ये अपने आप एक मिसाल है। तो ये तमाम चीजें चीख चीख करके ये कहते हैं कि अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 100% तरक्की और सफलताएं संभव है। दोस्तों इन तमाम चीजों से आप परिचित हैं, मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं ताकि कम समय में मैं आपको मुख्य चीजों के ऊपर रोशनी डाल सकूं। दोस्तों हम बात करते हैं उस सिस्टम की जहां पे आपको कई किस्म के प्रोडक्ट्स की सेगमेंट मिलते हैं, आपको डायटरी सप्लीमेंट, आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, आपको टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपको वेटनरी प्रोडक्ट्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है इस सिस्टम का एक जबरदस्त हिस्सा है। दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करती है तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए सिर्फ ये समझिए कि जहां से आप खड़े होते हैं वहीं से ये सिस्टम काम करना शुरू करती है। बस आपको करना ये होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपको क्या करना होता है, सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता है। फिर से इस बात को कहते हैं कि आप जहां से खड़े होते हैं वहीं से ये सिस्टम काम करना शुरू करती है। आप और आपके नियर एंड डियर, आप जिन्हें पहचानते हैं, वो लोग जो आपको जानते हैं, उन लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता है। बस यही काम करना है और उन्हें क्या करना है, उन्हें नरिश करना है, उन्हें नर्चर करना है ताकि वो आपकी बिजनेस की उपलब्धियों को छूने में आपकी मदद करें। बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों तो ये बिजनेस मॉडल अपने आप में डबल सेल इंसेंटिव वाली मॉडल है, दुगुना मुनाफा वाली मॉडल है, जिसमें आपको कॉम्पेंसेशन प्लान, जिसमें आपको रिपर्चेस प्लान के तमाम खूबसूरती की जो बेनिफिट्स है वो शामिल है। मैचिंग बोनस का पूरा फायदा मिलता है आपको, रिपर्चेस प्लान के तहत मंथ एंड में आपको पूरी की पूरी पे आउट जो है आपके पूरे टीम की कंट्रीब्यूशन के आधार पर डिसाइड की जाती है। दोस्तों ये वो जबरदस्त प्लान है जो सिर्फ और सिर्फ दो लेग्स के ऊपर ऑपरेट होती है। मैंने सुना है लोग 6 लेग, 7 लेग और मल्टीपल लेग्स पे काम करते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति 2 लेग्स पे खड़ा नहीं हो सकता वो 3600 लेग्स पे कैसे काम कर सकता है, ये मेरा अपना मानना है, आपकी राय अलग हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेग्स के ऊपर तमाम बेनिफिट्स पा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शंस ओपन हैं, आप चाहो तो मल्टीपल लेग्स पे भी आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दोस्तों ऐसी व्यवस्था है कि आप 25 लाख से भी ज्यादा की रिवार्ड्स पा सकते हैं सिस्टम में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारी जो कॉम्पेंसेशन प्लान है वो अपने आप में एक ऐसी प्लान है जहां मैचिंग के ऊपर आपकी पे आउट बनती है और ये अपने आप में एक सोर्सेस ऑफ इनकम है। वहीं पे रीपर्चेज इनकम के तहत जो 11 अलग अलग तरीके से आपके पास पैसे आती हैं, इसकी कैलकुलेशन जो है मंथ एंड में होती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन दोनों ही प्लान को अगर एड ऑन कर ले तो टोटल 12 तरीके से आपके पास पैसे आते हैं।
12 तरीके से आपके पास पैसे आते हैं, और वो तमाम तरीके क्या होती हैं आप इस स्क्रीन पे, इस पैनल पे देख सकते हैं। वो 12 तरीके होते हैं पेयर इनकम, जहां आपको मैचिंग के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। 100% रिटेल बेनिफिट, बिकॉज कंपनी के साथ जुड़ने वाला हर शख्स एक स्कीम के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ जाता है, और वो कहते हैं जिसे बाय वन गेट वन फ्री। दोस्तों बाय वन गेट वन की फ्री, ये हम सबों को, यानी जितने भी एंड्रॉयड डिस्ट्रीब्यूटर से ये सम्मान और ये अधिकार हम सबों को मिला है। ये अपने आप में एक जबरदस्त पोटेंशियल है, जबरदस्त ताकत है, लोगों को डे वन से पैसे कमाने का एक मौका देती है। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? ये सर नो लिख करके बताइए। ये जो बाय वन गेट वन की जो पॉलिसी है और रिटेल बेनिफिट जो 100% हम लोग कहते हैं, क्या आपको जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करते हैं उस दिन से क्या आपको पैसे कमाने का मौका नहीं देती? यस और नो में लिख करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, थैंक यू आपके रिस्पॉन्सेस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। टीम परफॉर्मेंस बोनस, आपकी टीम काम करती है उसके मुताबिक आपकी ग्रोथ होती है, आपके परसेंटेज बढ़ते हैं, और आप जैसे जैसे आपके परसेंटेज बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी चेक की साइज भी बढ़ती है। क्या दोस्तों, वैसे वैसे आपकी चेक की साइज बढ़ती है। इसके बाद बात करें रॉयल्टी क्लब इनकम की। बहुत सारे रॉयल्टी हमारी क्लब्स हैं, हम उसको विस्तृत तरीके से देखेंगे। उन तमाम रॉयल्टीज को आप अचीव कर सकते हैं, और वो भी फर्स्ट मंथ से ही, फर्स्ट मंथ से ही आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपके आपके शरीर के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि फायर इन द बेली, अगर आपके फायर इन द बेली है तो आप पहले ही मंथ से आप इन तमाम रॉयल्टी का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों बिजनेस मॉडल मैंने कई देखी है, लेकिन इस तरह की खूबसूरत बिजनेस मॉडल जहां आप पहले ही मंथ से रॉयल्टी अचीव करने के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं, ऐसे बहुत कम प्लान होते हैं। रॉयल्टी क्लब इनकम है, साथ ही साथ स्टार क्लब इनकम है, फॉरेन टूर क्लब इनकम, कार क्लब इनकम, हाउसिंग क्लब इनकम, डायरेक्टर प्रेसिडेंट चेयरमैन क्लब इनकम, ये तमाम चीजें, ये तमाम 12 किस्म के, ये जो आपके पास जो सोर्सेज हैं, इन तमाम तरीकों से आपके पास पैसे आएंगे दोस्तों। और अगर आप सही में कीवा दिल से करते हैं तो 100% ये 12 किस्म के तरीके आपके अकाउंट में बार बार पैसे दे करके जाएंगे। और दोस्तों कहते हैं कि जिसके पास पैसे हैं आज दुनिया उसकी मुट्ठी में है। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? जिसके पास पैसा है दुनिया उसकी मुट्ठी में है। पैसे कमाने का एक जबरदस्त सिस्टम हम सबों को मिल चुका है, और इस सिस्टम के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये अपने आप एक बेहतरीन बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम देखते हैं। जी हाँ जी, कुछ लोगों ने लिखा, पैसा भगवान नहीं पर भगवान से कम नहीं। बेशक हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान की परछाई जो है पैसे में दिखती है, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन इनकम की, बिजनेस प्लान की थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारी ये यहाँ पे हमारे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन जो है वो निश्चित तौर पे निशुल्क है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक रुपए भी नहीं लगते, लेकिन इस पे काम करने की कुछ तो शर्तें होती हैं, और वो जो शर्तें होती हैं उस शर्त को हम कहते हैं कि आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी को क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है 2000 रुपए की रिपर्चेस किट के माध्यम से। और 2000 रुपए की जो एक अनमोल राशि है, ये अपने आप में एक इतनी जबरदस्त सोर्सेज ऑफ इनकम को तैयार कर सकते हैं जिसकी कल्पना लोग शायद शुरुआती दिनों में नहीं कर सकते। दोस्तों जिस दिन आपने अपनी आईडी को 2000 रुपए से आपने एक्टिवेट कर लिए, 12 किस्म के फायदे आपके खाते में आने की तैयारी में लग जाते हैं। और दोस्तों हम नहीं समझते कि 2000 रुपया डाल करके कोई व्यक्ति करोड़पति बनने के बारे में सोचे, और शायद उसकी सोच गलत हो, कभी ऐसा नहीं होता। इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे इतनी जबरदस्त पोटेंशियल अर्निंग की आपको किसी धरातल पे किसी सिस्टम में नहीं मिल सकती है, जो आपको कीवा इंडस्ट्री के सिस्टम में मिलती है। दोस्तों मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने, जिन्होंने भी 2000 रुपए के माध्यम से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, कि क्या आपके पास ये 12 किस्म के फायदे आते हैं? यस और नो में लिख करके जवाब दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वन साइडेड बात हो, मैं चाहता हूँ कि खोल करके बात हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस रिपर्चेस
जब आप आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं। आप 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप इस बेहतरीन विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। कीवर्ड ट्रिपल स्टेम सेल, बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, कीवर्ड ट्रिपल स्टेम सेल, और ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ये ऑप्शंस भी मिलता है, पर्सनल केयर की एक्सक्लूसिव ऑप्शंस भी मिलती है। दोस्तों 2000 की इन्वेस्टमेंट पे 4000 की आपको एमआरपी की मूल्य की जो प्रोडक्ट मिलती है, ये अपने आप में इस बात का मिसाल है, उदाहरण है कि कंपनी जो लेती है, आप जो कंपनी में निवेश करते हैं उसकी डबल की चीज आपके पास पहुंच जाती है, और साथ ही साथ आप इंटाइटल हो जाते हैं दुनिया की फुल प्रूफ सिस्टम के साथ, जहां आपको 12 किस्म के फायदे आपको मिलने शुरू हो जाए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस पैनल पे, इस स्क्रीन पे, इन चीजों को बहुत ज्यादा आपको नहीं तकलीफ होगी इन चीजों को महसूस करने में, रियलाइज करने में। आपकी रीपर्चेस किट की कीमत 2000 रुपए, प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 4000 की मिलती हैं, और इसके अगेंस्ट में आपको 100 आरपी मिलती हैं, आपको 400 बिजनेस पॉइंट पर किट मिलते हैं, और इसके बाद इस कॉम्पेंसेशन प्लान के तहत शुरुआती दौर में आपको 1:2 और 2:1 के रेशियो में अपने स्पॉन्सरशिप क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। 1:2 और 2:1 के रेशियो में जैसे ही आपने स्पॉन्सरशिप क्राइटेरिया पूरी की, और उन तमाम लोगों ने जो कि आपके साथ आपके डाउनलाइन में जुड़े, उन लोगों ने भी आईडी अगर एक्टिवेट किया, तो आपकी फुलफिलमेंट अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ 1:2 और 2:1 के रेशियो में आपकी पेयर इनकम की आने की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट पेयर इनकम जैसे ही यह 1:2 और 2:1 की परिस्थिति पूरी होती है, आपको फर्स्ट पेयर इनकम आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ तक 1:1 की रेशियो में आप अपने पेयर मैच करते रहिए, और हर एक पेयर पे आपको 200 रुपए की राशि टीडीएस काट करके आपके खाते में वीकली बेसिस पे पहुंचा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी और खूबसूरती को रियलाइज करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने 1:2 और 2:1 का रेशियो पूरा किया, आपके खाते में 200 रुपए गए। इसके बाद जैसे ही आपने 1:2 और 2:1 के रेशियो की समापन के बाद अपने एक पेयर बनाने शुरू कर दिए, आपको हर पेयर पे आपको 200 रुपए की राशि मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों इस बात को कहना पड़ेगा कि एक जमाने में कैपिंग हुआ करती थी, आज की तारीख में कोई कैपिंग नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ तक आप ये 200 पर पेयर आप इसकी बेनिफिट वीकली बेसिस पे पा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस बात का ख्याल रहें कि कोई कैपिंग नहीं है, कोई फ्लश आउट नहीं है, और पावर लेग्स कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब यह है कि अगर आपकी मैच नहीं भी हुई कुछ कारणों से, तो आपकी पावर लेग्स जो है कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपका किया हुआ मेहनत बेकार कभी नहीं होता। दोस्तों कहते हैं ना कि कीवा इंडस्ट्री में बेकार नाम की कोई शब्द ही नहीं होती है। कीवा इंडस्ट्री में आपके सपने साकार होते हैं, आपके सपने हासिल होते हैं, और वो भी जीते जी। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? कीवा इंडस्ट्री आपके सपनों को साकार करती है, क्या आप हमारी बातों के साथ है? ये सर नो में लिख करके जवाब दे दोस्तों। चलिए दोस्तों इस बात को मैं बड़ी तेजी के साथ आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम पूरे एक साल का स्ट्रेस ले, और पूरे एक साल के स्ट्रेस में अगर हम ये महसूस करें कि पहले महीने आप अकेले थे, दूसरे महीने आप कम से कम 2 पेयर बनाने की अगर आप ताकत रखते हैं, आप अगर 150 लोगों को जानते हैं और वो लोग भी समाज का अगर हिस्सा है, तो आप निश्चित तौर पे हर महीने अपनी संख्या को डबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि पहले मंथ में आप अकेले होते हैं, उसके बाद जो है आपकी संख्या डबल होती है। तो टोटल मैंने 12 महीने का स्ट्रेस लिया, और इस पूरे 12 महीने के स्ट्रेस में अगर हम संख्या को डबल करते जाए, तो इस हिसाब से पूरे 12 महीने जाते जाते 4096 पेयर बन सकते हैं। क्या इस समीकरण में किसी को कोई संदेह है? क्या आप हर महीने अपनी संख्या को डबल के बराबर की पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? लीडर्स प्लीज जवाब दें, क्या आप अपनी संख्या को डबल कर सकते हैं? क्योंकि हम उस धरती पे रहते हैं, उस राष्ट्र में रहते हैं जहां 133 करोड़ की आबादी हमारे इर्द गिर्द रहती है, और किसी भी कार्यक्रम में, चाहे शादी के प्रोग्राम की बात हो, चाहे बर्थडे की बात हो, चाहे किटी पार्टी की बात हो, चाहे जनेऊ की बात हो,
हर प्रोग्राम में आपके यहाँ 100, 50, सैकड़ों और हजारों लोग आते हैं दोस्तों, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को आपको आपके बिजनेस का हिस्सा बनाना है। 12वां महीने जाते जाते 4096 पेयर बड़े आसान की बात है। और दोस्तों अगर हमने ये कहा कि अगर 200 पर पेयर कॉम्पेंसेशन प्लान के तहत आपको निर्धारित की गई है, तो एज्यूम कीजिए, एक बार स्मरण कीजिए, एक बार दिमाग में लाइए इस पिक्चर को कि जिस दिन आपकी पेयर 4096 पेयर बनेगी उस दिन आपकी कॉम्पेंसेशन प्लान के तहत आपका पे आउट क्या होगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 4096 पेयर दैट कम्स टू 8,19,200 पूरे 12 महीने का कॉम्पेंसेशन प्लान के तहत आपकी पे आउट बनेगी। क्या ये राशि कम है? ये राशि आपके शरीर के अंदर एक स्पार्क ला सकती है, किसी भी व्यक्ति को चार्ज कर सकती है। और दोस्तों ये वो पैसा है, ये वो लोगों के माध्यम से बना होगा जिन लोगों को शायद आप नहीं जानते होंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के कुछ लोगों को जानते होंगे, लेकिन ये वो पैसा है जो पैसा आपको उन लोगों के माध्यम से मिला जिनके चेहरे आप तक आज तक आपने नहीं देखा होगा। मुमकिन है, निश्चित तौर पर मुमकिन, स्ट्रेंजर्स से आपको वो पैसे मिले होंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इन चीजों को और विस्तृत तरीके से हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पूरे 12 महीने की, तो 4096 पेयर और रिपर्चेस किट के ऊपर आपको 400 बीपी मिलती है, यानी कि हर पेयर की अगर बात कर ले तो 800 बीपी बतौर कैलकुलेशन के रूप में आती है। अगर हम 4096 को मल्टीप्लाई करते 800 से, तो दोस्तों ये जो फिगर आती है हमारी 32,76,800 बीपी पूरे एक साल में आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन दोस्तों। यही हमारी जिस तरह से एक फॉर्मुलेशन होती है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जो कि एटम बॉम्ब में इस्तेमाल की जाती है, एग्जैक्टली वही न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। अगर आपके अंदर टाइम फैक्टर को और रिसोर्सेस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने की ताकत है, अगर उस तरह का तजुर्बा आपको है, तो ये 32,76,800 बिजनेस पॉइंट एक साल में बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हिसाब से अगर आपकी 32,76,800 बीपी अगर पूरे साल में बनती है, तो दोस्तों 7-8 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि कॉम्पेंसेशन प्लान और इस रिपर्चेस प्लान के तहत आपकी जो पे आउट बनती है पूरे साल में, अगर इसको जोड़ देते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 से 16 लाख रुपए पूरे एक साल की बनते हैं। और अगर उसे 12 से डिवाइड कर दे, तो दोस्तों ये पैसे, ये इनकम, ये जो पे आउट आप कुछ भी कह ले, ये 1 लाख प्लस करीब करीब 1.25 लाख के बराबर की पैकेज आपको देती है, यानी कि हर महीने 1.25 लाख रुपए। ये अपने आप में कोई छोटी रकम नहीं होती। पूछिए उन लोगों से जो लाख रुपए कमाते हैं, लाख रुपए कैसे कमाते हैं। पूछिए उन लोगों से जो 1.25 लाख रुपए कमाते, कैसे कमाते हैं। दोस्तों आपको मार्केट में कईयों लोग मिल जाएंगे 50,000 और लाख रुपए कमाने के लिए उन्होंने ना जाने कितने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की होंगी। और आपका इन्वेस्टमेंट क्या था? सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन और शुरुआती दौर में आप अपनी आईडी को जो एक्टिवेट करते हैं 2,000 रुपए के माध्यम से, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद सिस्टम में अगर आपने ईमानदारी रखी, सिस्टम में अगर आप कंसिस्टेंट हैं, सिस्टम में अगर आप वफादारी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिखाए गए जो निर्देश हैं, जो आपके अपलाइन कहा करते, जो आपके लीडर्स कहा करते, जो आपके सीनियर्स कहा करते, जो आपके ट्रेनर्स कहा करते, जो आपको सिस्टम उम्मीद करती है, अगर इन तमाम निर्देशों का पालन करें, तो दोस्तों हम कहते हैं ना कि कीवा इंडस्ट्री में लखपति बनना, तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि स्टैंडर्ड 5+ पास करने के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इन चीजों को और विस्तृत तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें 8,19,200 और यहां पे मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों को 1.25 लाख की इनकम भी कम लगती है, अगर वो थोड़ी सी जतन करके कि इनिशियल स्टेज में अपनी आईडी को ट्राइपॉड वे में अगर रजिस्टर करे, ट्राइपॉड का मतलब यह है कि अपने ही परिवार के 2 अन्य लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दे। मुमकिन है आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपके बेटे हो सकते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली स्पॉन्सर कीजिए, तो दोस्तों आपकी फैमिली इनकम 3 गुना बढ़ सकती है। उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन प्लान जो आप
अकेले कमा रहा था 8,19,200, अब 3 लोग मिल करके कमाएंगे और यह राशि जो होगी 24,97,600 रुपए की राशि पूरे साल में जाएगी। और इसी हिसाब से आपकी रिपर्चेस प्लान की भी राशि बढ़ने वाली है। ये जो आप 32,76,800 की बीपी आप अर्न कर रहे थे, ये 3 गुना बढ़ जाएगी और उस हिसाब से आपकी इनकम, अगर मैं बीपी की बात करूं तो 98,30,400 बीपी पूरे साल भर में आपके टीम में आएगी और उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो 25-30 लाख जाएगी। दोस्तों, अगर हम दोनों ही ट्राइपॉड लगाने के बाद अगर पूरे इनकम को मैं जोड़ दूं, यानी कि अगर आपका कॉम्पेंसेशन प्लान का जो इनकम है उसे जोड़ दूं और रिपर्चेस पार्ट को भी जोड़ दूं, तो करीब करीब 45-50 लाख पूरे साल भर में कमाएंगे। इसका मतलब यह हो गया कि आप 3.5+ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख हर महीने कमा रहे होंगे। दोस्तों, कौन सी ऐसी सिस्टम है जो आपको हर महीने 3-4 लाख कमाने के काबिल बना देती है? दोस्तों, मुझे नहीं मालूम, पिछले 14 सालों में मैंने इतनी जबरदस्त पावरफुल सिस्टम और फुल प्रूफ सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा। ये वो सिस्टम है जो 100% कहती है और ये चीज लागू होती है। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? यस और नो में लिख करके जवाब दीजिए। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं बात करूं और आप सिर्फ सुनते रहे। एटलीस्ट आपके रिएक्शन, आपके रिस्पॉन्स, आपके रिप्लाई, चाहे फेसबुक पे हो चाहे इस जूम पे, आपके आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और इस चीज को और विस्तृत तरीके से देखें। अगर कॉम्पेंसेशन प्लान की बात करूं तो हमारी ये इसकी जो क्लोजिंग होती है वो हर एक ट्यूसडे को होती है। वीकली बेसिस पे एक्चुअली हम इसके पे आउट को डिस्बर्स करते हैं। थर्सडे पे आउट जनरेट होती हैं और हर महीने रीपर्चेस प्लान के तहत हमारी क्लोजिंग होती है। तो इस तरीके से पूरे 5 बार आपके खाते में पैसे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती। कुछ लोग होते हैं महीने में 1 बार कमाते हैं और आप महीने में 5 बार कमाते हैं, तो भाई बार बार पैसे कमाने अच्छा है या 1 बार पैसा कमाना अच्छा है? बार बार आपके हर सप्ताह आपके खाते में पैसे आते, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो टोटल 5 किस्म के पेआउट्स का प्रावधान हमारे सिस्टम में है। अब हम रीपर्चेस प्लान को थोड़ी बेहतरीन तरीके से देखें तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं आप सबों के बीच में और ये सारे ही ऑप्शंस एक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सुबह की आप चाय की प्याली उठा रहे हो, करीब 50-80 लाख टन प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में खपत होती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना साबुन के स्नान करते होंगे और शायद ही घर का कोई ऐसा किचन होगा जहां पूरी को पानी में तल करके खाई जाती हो। निश्चित तौर पे किसी न किसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है। अगर उस कुकिंग ऑयल को भी हमने एक हेल्दी ऑप्शंस के वे में राइस ब्रैन ऑयल के माध्यम से हमने रिप्लेस कर दिया, तो दोस्तों करोड़पति बनना इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाय वन गेट वन की पॉलिसी ये लागू होती है हर उस रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को जिसने की वह इंडस्ट्री को जो साइन अप किया है। और ये सारे ही ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ सपने नहीं, ये हकीकत वाले ऑप्शंस हैं। मैंने सुना है कुछ कंपनीज होती है 4-5 प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करके मार्केट में उतरती है। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि वो कंपनी कितनी पावरफुल और कितनी साउंड और कितनी जबरदस्त होगी जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 600+ की संख्या में प्रोडक्ट्स उपलब्ध है और वो भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी जिसे किसी ना किसी रूप में हम सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे मॉर्निंग टाइम से लेकर के इवनिंग टाइम तक किसी ना किसी रूप में हम सभी इस्तेमाल किया ही करते हैं। दोस्तों अगर रिटेल इनकम की बात करें, आपकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। अगर मैं एक कप सिरप की भी बात करता हूं तो आपकी एक कप सिरप जिसकी MRP आपकी 59 रुपीज है, आपको एक की खरीदारी पे आपको दूसरी कप सिर्फ फ्री में मिलती है, यानी कि 100% रिटेल बेनिफिट हम सबको होती है। और करीब करीब यही स्ट्रक्चर हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू होती है। दोस्तों अब आपकी नजर, मैं चाहूंगा इस स्क्रीन की पैनल की तरफ हो। टीम परफॉर्मेंस इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस कदर है। 5% से लेकर के 38% तक का ये जो स्लैब है, जो शुरुआत होती है डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के डायरेक्टर तक की, इस डिस्ट्रीब्यूटर की लेवल पे आपको महज 400 बिजनेस पॉइंट करने पड़ते हैं, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है। और इस मिनिमम क्राइटेरिया को
जो मैंने देखा है कि अन्य जो सिस्टम होती हैं बहुत बड़ी क्राइटेरिया रखती है, जबकि आपके पास महज 700 रुपए की अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये 400 बिजनेस पॉइंट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद की जो लेवल होती है एग्जीक्यूटिव लेवल होती है 2000, यानी 2000 की अगर आपने बिजनेस पॉइंट मैच किया आपके एक लेग्स पे 2000 और दूसरे लेग्स पे 2000 की अगर बिजनेस पॉइंट अगर आपने मैच किया तो आप डायरेक्टली 10% बीपी के हकदार हो जाते हैं। आप डायरेक्टली 10% बीपी के हकदार होते हैं और इनडायरेक्ट पे में जो डिफरेंशियल बेनिफिट होती है जिसे इनडायरेक्ट बोनस कहते हैं वो 5% के आप हकदार हो जाते हैं। इसी तरह से आगे बढ़े तो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 10-10 हजार की मैचिंग करनी पड़ती है और उस हिसाब से आपकी जो लेवल हो जाती है 14% पे हो जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट 14%, इनडायरेक्ट बेनिफिट आपकी 4-9% के बीच में आती है, ठीक है, सॉरी 6-9% के बीच में आती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिप्टी मैनेजर, जहां आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं 20,000 की मैचिंग करनी पड़ती है। अगर आपने 20,000 की मैचिंग कर लिया तो आप डायरेक्ट जो बेनिफिट है 18% बीपी के इंटाइटल हो जाते हैं और साथ ही साथ इनडायरेक्ट जो बोनस है वो 4-13% के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद की जो लेवल होती है वो मैनेजर रैंक की लेवल होती है। 40,000 की बिजनेस पॉइंट की मैचिंग पे आप 22% बीपी के इंटाइटल हो जाते हैं। सीनियर मैनेजर पे जहां आपको ज्यादा नहीं दोस्तों 80,000 की मैचिंग करनी पड़ती है, 26% बीपी के आप इंटाइटल हो जाते हैं। जनरल मैनेजर की पोजीशन पे आप 1,60,000 की मैचिंग करें और इस हिसाब से आप 30% बीपी के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर की लेवल पे 34% बीपी का आप इंटाइटलमेंट आपको मिल जाती है जब आप 3,20,000 की मैचिंग करते हैं, एक तरफ 3,30,000 और दूसरे साइड में जो लेग्स मिलाकर के 3,30,000। अगर आप 6,40,000 और 6,40,000 की मैचिंग करते हैं तो दोस्तों आप 38% बीपी के आप हकदार हो जाते हैं। दोस्तों एक समय था जहां 12,80,000 की मैचिंग करनी पड़ती थी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्टर्स की उस लेवल को भी अचीव किया था और अब उस लेवल को आधा कर दिया गया है तो यहाँ पे डायरेक्टर बनना और भी ज्यादा ईजी हो गया है, और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो गई है। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? अच्छा यहाँ पे एक बार लिख करके बताएं कि कितने लोग 12,80,000 और 12,80,000 की जो हमारी फॉर्मेट हुआ करती थी डायरेक्टर्स लेवल की, उस स्थिति में डायरेक्टर बने थे? सिर्फ यस लिख करके बताएं, बिकॉज हम सबों को उन्हें सम्मानित करना चाहिए। एटलीस्ट जो है हम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप वैसे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपने वो अचीवमेंट लिया और आज की हालात को हमने जब आधा कर दिया है तब तो डायरेक्टर्स बनने की संभावनाएं और भी ज्यादा डबल हो गई है। और शायद यही वजह है कि आप में से आज की तारीख में बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है नए नए उभर करते आए हैं और उन तमाम डायरेक्टर्स का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी नजर मैं चाहूंगा दोस्तों इस स्क्रीन पैनल की तरफ, इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप नजर डालें तो आप देखोगे कि आपको डायरेक्टर बनने के लिए 6,40,000 और 6,40,000 की मैचिंग करनी पड़ती है। शुरुआती दौर में जब आप स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, आपकी अकेले की बीपी 400 बिजनेस पॉइंट। अगले महीने से फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ आप अपनी संख्या को डबल करते जाते हैं और उस हिसाब से आपकी बीपी जो है 800 बन जाती है। चूंकि ये एक्युमुलेटेड बीपी वाली सिस्टम है, कैरी फॉरवर्ड वाली सिस्टम है, यानी कि पुरानी बीपी और नई बीपी मिला करके हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि टोटल आप 11 महीने के स्टेज में, वैसे आप इसे 11 महीने कह लें या एक साल कह लें ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने सेल्फ की बीपी वाली जो मंथ है वो उसे 0 मंथ कंसिडर किया है। अगर उसे भी फर्स्ट मंथ कह ले तो इस हिसाब से ये 12 मंथ हो सकती थी। तो एनीवे ये अपने तरीके से सोचने का फेर है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो टोटल आप इस 11 मंथ में आप कितना बीपी एक्युमुलेट कर सकते हैं दोस्तों, 16,38,000 बीपी एक्युमुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये 16,38,000 बीपी का मतलब है कि आप अगर अपनी संख्या को बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ लोगों की आईडी भी एक्टिवेट अगर करते रहे तो मैं कहता हूं कि 12 महीने में भी आप ना चाहते हुए भी डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? यस और नो में लिख करके जवाब दीजिए। आप ना चाहते हुए भी इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा दें, अपनी संख्या को डबल कर लें और उनकी आईडी को अगर एक्टिवेट भी कर लें तो आपको डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
100% आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये वो सिलसिला है, इस सिलसिले के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बार हाथ पकड़ने की जरूरत है। एक बार अगर आपने इस सिस्टम का हाथ थाम लिया तो दोस्तों मैं कहता हूं कि जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं वहां से आपकी उड़ान शुरू होती है, वास्तविक उड़ान डायरेक्टर के बाद की शुरू होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि हमारी जो अलग अलग किस्म की जो रॉयलिटीज होते हैं उस रॉयलिटीज को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस रॉयलिटी की इनकम को पाने के लिए आप फ्रॉम द वेरी सेम मंथ आप जो है इन रॉयलिटी का हकदार बन सकते हैं। और इतनी कम बिजनेस कंट्रीब्यूट करने के बावजूद इतनी कम बिजनेस कंट्रीब्यूट करने के एवज में आपको किसी अन्य सिस्टम में रॉयलिटी के लिए इंटाइटल नहीं किया जाता। लेकिन हम सबों के लिए ये अच्छी बात है कि कम बिजनेस के कंट्रीब्यूशन में भी कंपनी अपनी प्रॉफिट में से आपको क्या करती है, रॉयलिटी देने का प्रयास करती है। और इन चीजों को कैसे हासिल करते हैं, हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पॉइंट पे आते हैं। रॉयलिटी क्लब इनकम में शामिल होने के लिए दोस्तों आपको करना यह है कि 10-10 हजार की बिजनेस पॉइंट मैच करनी है। और 10-10 हजार की अगर बिजनेस पॉइंट आपने मैच किया तो कंपनी अपने टर्नओवर में से 8% निकाल करके उस महीने के जितने भी रॉयलिटी क्लब के अचीवर्स होते हैं उनके बीच में बराबर बराबर बांट देती है। उदाहरण के तौर पे अगर 12.5 करोड़ की BP की टर्नओवर हमारी कंपनी की मासिक स्तर पे अगर होती है और रॉयलिटी अचीव करने वालों की संख्या अगर 2230 है तो इस हिसाब से आपका 4484 हर रॉयलिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेंगे। इसके बाद की एक लेवल है जिसे हम लॉयलिटी क्लब इनकम कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसे जैसे हमारी बीपी की ऊंचाइयां बढ़ रही हैं, पिछला बेनिफिट भी इस पूरे बेनिफिट में शामिल होगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ लॉयलिटी क्लब इनकम की तो 5% आपको बीपी का मिलेगा लेकिन इसके पहले का भी 8% आपको मिलेगा रॉयलिटी की। और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे तो वो तमाम पिछली बेनिफिट भी आपको मिलती जाएगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं लॉयलिटी क्लब इनकम की, तो इस पे आपको 5% बीपी की मिलती है। और ये कब होता है, जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हो और आपको करना ये होता है कि 25,000 की बीपी आपको मैच करनी पड़ती है कंपनी अपने टर्नओवर में से 5% निकाल करके उस महीने के लॉयलिटी क्लब के बीच में बराबर बराबर बांट देती है। मिसाल के तौर पर 12.5 करोड़ की बीपी की टर्नओवर अगर मंथली बेसिस पे हमारी कंपनी की सिस्टम की हो रही है और अगर अचीव करने वालों की संख्या 762 है तो उस हिसाब से 8202 हर लॉयलिटी एचीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्टार क्लब इनकम की बात करें तो स्टार क्लब इनकम में आपको बीपी का 4% मिलता है और इसके लिए आपको मिनिमम जो एंटरटेनमेंट है 2 एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट लेग्स होने चाहिए। 50-50 हजार बीपी मैच करते हैं कंपनी की टर्नओवर में से 4% आपको इक्वली बांट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 12.5 करोड़ की टर्नओवर है और 390 अचीवर्स की संख्या है तो 390 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फिगर आती है 12,820 रुपए। 12,820 रुपए हर स्टार अचीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों फॉरेन टूर क्लब की बात करें तो 2% बीपी के मिलते हैं और ये कब मिलते हैं, जब आपके अंदर आपके डाउन लेग्स में 2 डिप्टी मैनेजर इन डिफरेंट लेग्स हो और आप उस हालत में 1-1 लाख की बिजनेस पॉइंट मैच कर रहे हो तो कंपनी के टर्नओवर में से 2% निकाल करके उनके बीच में इक्वली जो है बांट दिया जाता है। इस हिसाब से अगर आप इस समीकरण की तरफ ध्यान दें तो 12,953 रुपीज हर फॉरेन अचीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दोस्तों एक बात कहना पड़ेगा जो मुझे काफी उत्तेजित कर देती है इस बात को कहते हुए कि जिस तरीके से आप सभी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से अचीवर्स की संख्या आ रही है, जिस तरीके से हमने इवन पैंडेमिक के दौर में भी प्रोग्रेस किया और काफी अच्छी तरीके से हमने प्रोग्रेस किया, अचीवर्स की संख्या बढ़ी, लोगों की चेक की साइज बढ़ी है, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले वर्षों में 1 लाख से भी ज्यादा विदेशी ट्रिप अचीवर्स की संभावनाएं बढ़ गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी विदेशी ट्रिप्स अचीव करने में अपनी जो अटेंडेंस है अपनी रजिस्ट्रेशन को मान चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द विदेश जाने वाले हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यस हम विदेश जाने के लिए उत्तेजित है और हमने उस तरह की तैयारी कर चुकी है? अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए दोस्तों, कितने लोग हैं जेन्युइनली, ये क्वेश्चन जो है मैं नए लोगों से कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रेडी करा दिए? एक बार यस लिख करके बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया है।
कुछ लोग होते हैं भाई विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट रेडी नहीं किए तो फिर कैसे जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने पासपोर्ट रेडी नहीं कराया वो निश्चित तौर पे पासपोर्ट रेडी करा ले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार क्लब इनकम की बात करें, आपके नीचे जो है दो सीनियर मैनेजर्स होने चाहिए। अगर आप 1.5-1.5 लाख की मैचिंग करते हैं तो कंपनी के टर्नओवर में से 2% निकाल करके इक्वली जो है बांटी जाती है। इस हिसाब से 22,522 रुपए हर कार एचीवर्स के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इस तरीके से जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया, जिस तरीके से आपने टीम में बढ़त हासिल की, जिस तरीके से आप क्वालिफाई किए, नंबर ऑफ अचीवर्स और खास करके कार क्लब अचीवर्स की संख्याएं बढ़ी हैं और लोगों ने कार खरीदी है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि कार भी बदल दी है, नई अपग्रेडेड वर्जन ले लिए। तो दोस्तों आपका भी नाम इस तरह के पैनल पे आना चाहिए, उसकी तैयारी कर लीजिए और पूरी टीम की मोमेंटम को जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट देने का प्रयास कीजिए। आने वाले वर्षों में 1 लाख से भी ज्यादा कार अचीवर्स की संभावनाएं हम ऐसा एज्यूम करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी एजम्पशन सही है? आने वाले वर्षों में 1 लाख से भी ज्यादा, मैं तो कहता हूँ 1 लाख क्यों, 2 लाख होनी चाहिए, ये संख्याएं बढ़नी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका भी नाम इस पैनल पे आएगा और बहुत जल्द आएगा जहां आप चमचमाती हुई नई कार के साथ, आप शोरूम से निकलती हुई गाड़ियों के साथ आप वहां पे खड़ी हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपका भी नाम आने वाला है? लिखिए इस चीज को दोस्तों। इस चीज को जब तक दिल से आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक वो कार आपके आपके घर के गैरेज में मिल जाएंगे। इस चीज को एज्यूम करना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे, सपनों को साकार करने के लिए सपने को आपको देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में मैं बात करूंगा दोस्तों। आपको करना यह है कि हाउसिंग क्लब की अगर मैं बात करूं तो 2% जो है बीपी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 2 जनरल मैनेजर आपके दोनों इंडेक्स पे होने चाहिए, 2-2 लाख की मैचिंग करनी है और उस हिसाब से 2% जो है कंपनी निकाल करके इक्वली जो है बांटते हैं। इस हिसाब से 29,411 रुपए हर हाउस क्लब अचीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे और पिछले जितने भी क्लब्स को आपने अचीव किया वो तमाम राशि भी जोड़ दी जाएगी। दोस्तों डायरेक्टर क्लब इनकम की बात करें तो दोस्तों ये शुरुआत होती है जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं। टोटल 18% बीपी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप डायरेक्टर हैं और 1-1 लाख की मैचिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 10% आपको मिलती है। तो पास क्लब में अगर 3-3 लाख की मैचिंग होती है तो एडिशनली अतिरिक्त 3% का फायदा आपको मिलता है। रूपी क्लब में आते 6-6 लाख की मैचिंग होती है, 2% एक्स्ट्रा मिलता है। एमराल्ड क्लब में आते 12 लाख की मैचिंग करते 1% एक्स्ट्रा मिलता है। सफायर क्लब में आते 20-20 लाख की मैचिंग करते 1% एक्स्ट्रा मिलता है। डायमंड क्लब की बात करें यानी 30-30 लाख की अगर आपने मैचिंग किया तो 1% एक्स्ट्रा मिलता है। टोटल अगर मैंने एड ऑन कर दिया तो टोटल 18% का फायदा आपको मिलता है। लेकिन ये आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आपने जिस हिसाब से अपनी बीपी आपने एक्वायर किए हैं उस हिसाब से ये राशि जो है उन लोगों के बीच में प्रोपोर्शनेट वे में अनुपातिक स्तर पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके बाद बात करें डायरेक्टर टीम इंसेंटिव की तो दोस्तों आपने देखा होगा कि डायरेक्टर के लेवल पे 38% बीपी का प्रावधान है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारे नीचे अगर डायरेक्टर आ जाए तो डिफरेंशियल बेनिफिट जो है वो जीरो हो जाते हैं, शायद इस बात को लेकर के कभी वो चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी चिंता की कोई वजह ही नहीं है। कीवा इंडस्ट्री बहुत दूर की सोचती है और इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, वैसे तो आपकी डिफरेंशियल बेनिफिट जीरो हो जाए लेकिन उस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त 6% बीपी के डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और उसे आप हर एक लेवल पे आप देख सकते हैं। पहले लेवल पे डायरेक्टर टीम इंसेंटिव जो कि 2% बीपी का मिलता है, सेकंड लेवल पे 1%, इसी तरह से तीसरे लेवल पे 1% और 4-5-6 लेवल पे आपको 0.5% बीपी आपको मिलती है। तो दोस्तों करना यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? करना सिस्टम में यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। कोई भी नकारात्मक चीजों को विभाग में स्थान नहीं देनी है, कोई भी निगेटिव चीज सोचनी नहीं है क्योंकि कीवा इंडस्ट्री ने कभी सोचा ही नहीं। और जहां भी अगर दिमाग जाकर के कोई निगेटिविटी आने वाली होती है उसका हम सभी पहले से ही तैयारी कर करके बैठे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट क्लब की बात करें तो दोस्तों इस क्राइटेरिया में वो लोग शामिल हैं जिनके नीचे एटलीस्ट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के नीचे एटलीस्ट 1 डायरेक्टर है। अगर आप 2 लाख की बिजनेस पॉइंट मैच करते हैं तो कंपनी आपको प्रोपोर्शनेट वे में ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कंपनी के टर्नओवर में से 8% निकाल करके अनुपातिक स्तर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी। दोस्तों
इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ चेयरमैन क्लब इनकम की, मैं अगर बात करूँ तो इसके बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी बीपी का जो कैलकुलेशन होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर को दिमाग में रखते हुए होती है। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि आपकी जो हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर पूरा का पूरा 12 महीने आपको मिलने जा रहा है। और जितने भी चेयरमैन हैं वो ऑब्वियसली इन चीजों के ऊपर निगाहें जमा करके रखते हैं। इस क्राइटेरिया में शामिल होने के लिए दोस्तों दो डायरेक्टर्स चाहिए, दो डिफरेंट लेग्स में चाहिए, और इसके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, पहली जो कैटेगरीज हैं 30 लाख बीपी के मैचिंग के ऊपर 2%, आपकी चेयरमैन क्लब ब्रॉन्ज 60 लाख की मैचिंग के ऊपर 2%, चेयरमैन क्लब सिल्वर 1 करोड़ की मैचिंग के ऊपर 2%, 5 करोड़ की मैचिंग के ऊपर 0.5%, और चेयरमैन क्लब डायमंड के ऊपर 12 करोड़ की मैचिंग के ऊपर 0.5%। तो दोस्तों इस हिसाब से टोटल जो है 7% बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कैटेगरीज में होता है। 4% कंपनी की टर्नओवर से निकाल करके बीपी बांटी जाती है। आपको मैं बता दूं ये पूरे मार्केटिंग प्लान की ये वो ताकत है और ये वो पैसा है, ये वो इनकम है जिससे आप हकीकत में आप अपने सपनों का आशियाना छोड़ दीजिए, हकीकत का ताजमहल बना सकते हैं। और ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर कंपनी की टर्नओवर बीपी के लिहाज से 150 करोड़ है और अगर चेयरमैन क्लब के क्वालिफायर्स की संख्या 67 है तो उस हिसाब से 4,47,761 रुपए आपको इस क्लब के तहत आपको मिलती हैं। प्रत्येक चेयरमैन क्लब अचीवर्स को 4,47,761 रुपए वितरित किए जाएंगे। अगर चेयरमैन ब्रॉन्ज क्लब की संख्या 35 है तो उस हिसाब से 8,57,142 रुपए हर ब्रॉन्ज क्लब अचीवर्स को वितरित किए जाएंगे। अगर सिल्वर क्लब की संख्या है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अलग अलग जो कैटेगरीज थी टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरीज है, 30 लाख की मैचिंग, 60 लाख की मैचिंग, 1 करोड़ की मैचिंग, 5 करोड़ की मैचिंग और 12 करोड़ की मैचिंग, जिसको अलग अलग नाम दिए गए थे। चेयरमैन क्लब 30 लाख की मैचिंग पे, ब्रॉन्ज क्लब 60 लाख की मैचिंग पे, सिल्वर क्लब 1 करोड़ की मैचिंग पे और गोल्ड क्लब 5 करोड़ की मैचिंग पे और हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट है 12 करोड़ की मैचिंग पे। तो दोस्तों इसी हिसाब से इस पूरे कैलकुलेशन को यहाँ पे दिखाई गई है। अगर इस हिसाब से अगर आप देखें तो प्रत्येक चेयरमैन ब्रॉन्ज क्लब अचीवर्स को 8,57,142 रुपए वितरित किए जाएंगे, जहां मैंने अज्यूम किया है कि ब्रॉन्ज क्लब क्वालिफायर्स की संख्या 35 है। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर सिल्वर क्लब क्वालिफायर्स की संख्या अगर 19 है तो इस हिसाब से प्रत्येक सिल्वर क्लब अचीवर्स को 15,78,947 रुपीज जो है वितरित किए जाएंगे। अगर चेयरमैन गोल्ड क्लब की संख्या 3 है तो उस हिसाब से दोस्तों 25 लाख उन्हें वितरित किए जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि चेयरमैन डायमंड क्लब की संख्या अगर 2 है तो उस हिसाब से 37,50,000 की राशि जो है उन्हें मिलती है। तो दोस्तों स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह की इनकम को कमाने का जुनून आप में है? ये सवालों में लिख करके बताइए। दोस्तों कहते हैं ना कि इस सिस्टम को अगर आपने पैसे कमाने की एक मशीन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया तो दोस्तों हमने क्या किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सबों की निगाह है चेयरमैन क्लब की, ये तमाम कैटेगरीज के ऊपर है, चेयरमैन क्लब की पे आउट के ऊपर है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि गिद्ध की निगाह टारगेट पे होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कीवा इंडस्ट्री में जिसने भी ज्वाइन किया है, अगर आपकी निगाह इस पर्टिकुलर आपको कैटेगरीज के ऊपर नहीं है तो हम कीवा नहीं कर रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी निगाह है चेयरमैन क्लब की इन तमाम बेनिफिट्स के ऊपर है? लिख करके बताइए दोस्तों, कोई नहीं जानता है कब ऊपर वाला आपको तथास्तु कह दे। ये आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, आपकी इस रिएक्शंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बहुत जल्द जो है मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, थैंक यू आपके इस रिस्पॉन्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें जो है एक क्रक्स के रूप में आपको बताना चाहूंगा। अगर इन पूरी चीजों को ध्यान से देखा जाए तो जिन चीजों की बारे में अभी बातचीत हुई वो थी रिटेल बेनिफिट 100%, बिजनेस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन 100%। मैंने ऐसे सिस्टम के बारे में सुना है जहां हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू कुछ होती है लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब कैलकुलेशन होती है आपकी पे आउट की
तो लोग आपकी पॉइंट वैल्यू से कम की पॉइंट वैल्यू पे आपका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि 100% बिजनेस पॉइंट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। परफॉर्मेंस बोनस के तहत आपको 38% की आपकी परसेंटेज का एंटाइटलमेंट होते, क्लब इनकम में 62% क्वालिटी के आधार पे हमने देखी हुई है, डिफरेंशियल जो इनकम होती है 4 से लेकर 33%, स्टॉकिस्ट मार्जिन अपने आप में यह स्लैब जो है हर उस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है जो मार्केट में कुछ कम थोड़ी सी राशि लेकर के व्यावसायिक तरीके से काम करना चाहते हैं। दोस्तों 10 से 20% की जो रेंज है आज की तौर पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड में उपलब्ध नहीं है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 साल पुरानी 60 साल 70 साल पुरानी कंपनी में भी आपको इतनी बड़ी स्टॉकिस्ट का मार्जिन नहीं मिलेगा। स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम एक ऐसी पार्ट है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ स्कीमा इंडस्ट्री में आपको सुनने को मिलेगी। सुपर स्टॉकिस्ट की मार्जिन सिर्फ और सिर्फ उसे बिलिंग करनी है, उस बिलिंग अमाउंट के ऊपर सुपर स्टॉकिस्ट को 4.5% का मार्जिन मिलता है। सुपर स्टॉकिस्ट के ऊपर भी रेफरल है, ये अपने आप में न्यूज नेटवर्किंग की दुनिया का सबसे फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा ये हमारी सिस्टम के तहत मिलने वाली जो बेनिफिट है वो शायद आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। 0.5% सुपर स्टॉकिस्ट की जो है रेफरल मार्जिन है। दोस्तों हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिसको इतनी जबरदस्त सिस्टम मिल चुकी है। हम सभी लकी हैं इस मामले में कि हमने अपने आप को किसी एक व्यक्ति के कहने पे कीवा इंडस्ट्री ज्वाइन किया, और आप थैंक्स बोलिए भगवान को, विधाता को, और आप लकी महसूस कीजिए अपने आप को जिन्होंने किस कीवा सिस्टम के साथ जोड़ा। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप ऑनेस्टली अगर इस सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं तो दोस्तों 100% आप मान लीजिए करोड़पति 100% बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी नजर जो है इस स्क्रीन की पैनल पे मैं चाहूंगा। दोस्तों सुपर स्टॉकिस्ट की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फ्लैट 10 लाख एंड प्लस है, मार्जिन जो है 4.5 ऑन परचेस वैल्यू, सपोर्ट के लिहाज से आपको हर वो मुमकिन सपोर्ट कंपनी के स्तर पे मिलती है। एरे स्टॉकिस्ट की बात करें तो 1,50,000 से 1,00,000 की हमारी रेंज है। वैसे पेंडेमिक के पहले हमने 1,00,000 ही रखी थी, लेकिन आर्थिक जो स्ट्रक्चर है जो इस COVID-19 के दौर में जो चरमरा गई उस हिसाब से हमने इसकी जो लिमिट्स है उसको कम किया, और आज की तारीख में 50,000 से भी आप कंपनी की एरिया स्टॉकिस्ट के लिए एंटाइटल हो सकते हैं। आपको अप टू 20% की आपको मार्जिन मिल जाती है, कंपनी के तमाम आपको सपोर्ट्स मिलते हैं, और यही सारी चीजें ऑब्वियसली कंपनी को मजबूत नहीं सुपर पावरफुल बनाती है। और सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं अब कहना चाहूंगा आपके साथ कि दोस्तों सिस्टम लोग ज्वाइन करते हैं एक बड़े सपनों के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक फौज पैदा करनी पड़ती है। बिना प्रजा का कोई राजा का अस्तित्व नहीं होता, और हमारे लिए हमारी जो प्रजा है वो है हमारी फील्ड फोर्स, हमारे लिए जो प्रजा है वो है आपकी नेटवर्क, हमारे लिए नेटवर्क से ही नेटवर्थ आती है। और अगर आप एक मजबूत राजा हैं, तो आपकी नेटवर्क आपकी प्रजा की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे आपका प्रजा जो है वो खुशहाल रहे, वो अचीव करे, वो सक्सेसफुल हो, राजा को इस बात के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम चाहे किसी भी लेवल्स पे चले जाए, हम चाहे किसी भी ऊंचाइयों पे चले जाए, हम हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहें। जैसे आप महसूस कीजिए किसी वृक्ष की कल्पना कीजिए, वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए वो जमीन कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए आप हमेशा अपनी प्रजा के साथ, हमेशा अपने नेटवर्क के साथ जुड़े रहे, हमारा वजूद कायम रहेगा, और आपको 100% एक कह सकते हैं कि आपके इस तना में, आपकी जड़ों में, आपकी शाखाओं में वो जान बरकरार रहेगी और आपकी जिंदगी के तमाम सपने पूरे होंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने प्रयास किया आपको कीवा इंडस्ट्री की कुछ इस प्रोफाइल का मैंने आपका अवलोकन कराया, मैंने कुछ बातें आपको प्लान्स को लेकर की, और निश्चित तौर पे वही प्लानिंग है जिसे आप अमूमन हर दिन देखा करते हैं। लहजे का फर्क होगा, स्टाइल का फर्क होगा, लेकिन चीजें एज इट इज वही है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ कि ये सारी चीजें हमें पता है, बावजूद इसके कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है कि आपके अंदर जिद की कमी है। क्या दोस्तों, ये वही जिद की मैं बात कर रहा हूं जो जिद एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से किया करता है।
अगर वो किसी खिलौने की दुकान के बगल से पार हो रहा है, तो जब तक आप उसे वो खिलौने नहीं देते, उसे एक छोटी सी एक रुपए की बलून नहीं देते, वो बच्चा आपको हिलने नहीं देता। दोस्तों ऐसी ही जिद आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब तक आप करोड़पति ना बन जाए, जब तक आपका जो चेक का मंथली जो पे आउट है आपका 4 लाख 5 लाख नहीं आता, तब तक आपको सोने का हक नहीं है। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? देश बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अगर आप इतनी जबरदस्त पावरफुल सिस्टम मिल चुकी हैं, तो दोस्तों इंतजार किस बात की? करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आज